आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज स्किन इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्किन इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्किन इफेक्ट से जुड़े कई सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यह जो स्किन इफेक्ट का टॉपिक है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो बिना ज्यादा देरी करें आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर स्किन इफेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, स्किन इफेक्ट काफी सिंपल सी चीज है। यह हमारे सामने तब देखने को मिलती है जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर से हमारे करंट को फ्लो कराते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये एक हमारा वायर है, इस वायर की मदद से मैं पहली जगह से दूसरी जगह पे करंट को फ्लो करा रहा हूं। तो दोस्तों अब जो करंट इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होगी उसी समय हमारे स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। अब स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम आने से होता क्या है, इसको अच्छे समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम लाया हूं। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारा एक वायर है, इस वायर के अंदर जब मैंने इस पहली जगह से दूसरी जगह पे करंट को फ्लो कराया तो क्या हुआ, हमारा जो करंट है वो करंट इस वायर के अंदर का जितना भी एरिया ना उस पूरे एरिया के अंदर से नहीं गया, करंट सिर्फ हमारे इस वायर के बाहरी बाहरी सतह से ही निकल रहा है। जैसा कि अभी आप इस चित्र के अंदर भी देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हैं जो ग्रीन 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 डॉट बने हुए, हमारा करंट सिर्फ इसी जगह पे फ्लो हो रहा है, बाकी के जो वायर के अंदर की पूरी जगह बाकी है उसके अंदर से हमारा बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह जो समस्या हमारे सामने आती है इसी समस्या को हम इलेक्ट्रिकल में स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब अगर आपसे कोई भी स्किन इफेक्ट के बारे में पूछे तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि हमारा जो करंट है वह करंट हमारे कंडक्टर के मतलब के वायर के पूरे एरिया में से फ्लो ना होके सिर्फ बाहरी सतह से ही फ्लो हो जाता है, तो वह जो समस्या हमारे सामने आती है वो स्किन इफेक्ट ही कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों स्किन इफेक्ट से जुड़े आपको और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो स्किन इफेक्ट सिर्फ एसी सिस्टम में ही होता है, हमारे जो एसी करंट है उस एसी करंट में ही होगा, डीसी करंट में कभी भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अब आप में से कई लोग यह बोलेंगे कि आखिर सिर्फ एसी में ही क्यों हो रहा है, डीसी में क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों देखिए, काफी सिंपल सी चीज ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा वायर है, इस वायर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ इसके अंदर एक और हल्की सी सतह बना देता हूँ, मतलब कि ये तो हमारा पूरा टोटल वायर है, ये हमारे इस वायर का बिल्कुल सेंटर पार्ट है। तो दोस्तों अब जब हम हमारे इस पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कभी भी एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो एसी करंट में हम सभी को पता है क्या होता है, एसी करंट में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमारा जो करंट है वो करंट बार बार अपनी दिशा को बदलता है, करंट पहली बार में इस दिशा में जाएगा, दूसरी बार में करंट इस दिशा में जाएगा, मतलब कि बार बार करंट अपनी दिशा बदलता है। तो इस करंट के बार बार चेंज होने के कारण हमारे इस वायर में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। अब दोस्तों जब भी ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करता है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बीच में बनी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड चल जाएगा, फिर यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, फिर वो और बाहर की साइड चलेगा, मतलब कि इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके पूरी बाहरी सतह पे आके एकत्रित हो जाता है और इन सभी कारणों से हमारा स्किन इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो अभी तक हमने स्किन इफेक्ट होता क्या है और साथ साथ यह भी जाना कि स्किन इफेक्ट सिर्फ एसी सिस्टम में ही होता है, डीसी सिस्टम में नहीं होता है। इसी लाइन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्किन इफेक्ट सिर्फ हमारी जहां पे फ्रीक्वेंसी होती है ना, सिर्फ वहीं पे ही स्किन इफेक्ट होगा, जहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है या फिर जहां पे फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो है वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं होता है। और यहां पर आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि जब हमारा स्किन इफेक्ट नहीं होता है वायर में तो उस समय क्या होता है। तो दोस्तों अभी जब आप देख रहे हैं कि हमारा जो करंट सिर्फ बाहर की बाहरी सतह जा रहा है, उस समय क्या होगा, हमारा करंट इस पूरे में फ्लो होगा, यानी इस बाहर बाहर नहीं हमारा करंट अंदर भी फ्लो हो रहा है, मतलब कि हमारा जो करंट है पूरे ऑल ओवर वायर में बराबर मात्रा में ही फ्लो हो रहा होगा। अब दोस्तों छोटे शब्दों में हम यह भी जान लेते हैं कि स्किन इफेक्ट होने के बाद में हमें क्या नुकसान होता है और उसके बाद में हम स्किन इफेक्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं वो भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले स्किन इफेक्ट के होने के पीछे का नुकसान क्या है, सबसे पहली मुश्किल तो यही होगी कि हमारा करंट बीच में से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ बाहरी सतह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बहने की जो जगह मिल रही है वो जगह भी हमारी कम मिल रही है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारे जो वायर है वायर के अंदर हमारी हीटिंग जनरेट हो जाती है। तो यही हमारा सबसे पहला और मुख्य नुकसान है कि स्किन इफेक्ट होने से हमारे क्या होता है, हमारे हीटिंग जनरेट हो जाती है, जिसके कारण हमारे कई सारे लॉस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम सबसे मुख्य चीज जान लेते हैं कि आखिर स्किन इफेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन इफेक्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी जहां पर है वहीं पे स्किन इफेक्ट होगा, जहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो है वहां पे स्किन इफेक्ट होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके स्किन इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जहां पर फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे कि हमारे घरों के अंदर हमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहिए, हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई चाहिए, तो वहां पे इस पहले तरीके से हम स्किन इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम सेकंड रीजन के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारे शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब कि हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो वायर है, उस वायर की शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे स्किन इफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है।
आखिर ये कैसे किया जाता है, तो इसे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पे दो वायर है, नंबर वन वायर और नंबर दो वायर। नंबर वन वायर जो है, अगर आप घर में देखेंगे, हमारे जितने भी एसी सप्लाई में हमारे घरों में जो भी वायर उपयोग ले जा रहे हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। हमारे ऑल ओवर केबल सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके अंदर पतले पतले कई सारे वायर होते हैं। तो जो पतले पतले वायर लगाए जाते हैं ना, ये इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पे स्किन इफेक्ट को कंट्रोल कर सके। अब आखिर इस तरीके से स्किन इफेक्ट कैसे कंट्रोल होगा, तो दोस्तों काफी सिंपल चीज है। अगर मैं सिर्फ एक मोटे वायर का उपयोग ले लूंगा तो करंट क्या होगा, सिर्फ ऐसी ऐसी बाहरी जगह से फ्लो होगा। अब इसकी जगह मैंने क्या किया, ये पतले पतले वायर का उपयोग लिया, तो अब क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो इस एक पतले वायर के अंदर बाहरी जगह से फ्लो होगा, इस बाहरी जगह से फ्लो होगा, इस बाहरी, ये बीच वाला जो इसकी बाहरी, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ऑल ओवर जो करंट है वो करंट पूरे इस वायर में से फ्लो होने लग जाएगा। तो स्किन इफेक्ट को कंट्रोल करने की सबसे जो मुख्य चीज है वो यही है, हमारे वायर की शेप। हम क्या करते हैं, हम सॉलिड वायर को उपयोग ना करके हमारे स्टैंडर्ड वायर को उपयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पतले पतले कई सारे तार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे वायर का डायमीटर बढ़ता है, मतलब कि हमारा जो वायर है वो वायर जितना मोटा होगा उतना हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये तीसरा रीजन भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों इन सभी के अलावा मैं आपको एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूँ स्किन इफेक्ट को समझने के लिए। आप सभी ने ट्रांसमिशन लाइन के वायर को तो जरूर देखा होगा। ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर उपयोग लिया जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर। अब इस ACSR का मतलब क्या है, तो इस कंडक्टर के अंदर दोस्तों क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के हमारा जो पूरा वायर होता है, वो वायर जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये वायर बाहर का, ये वायर हमारा पूरा का पूरा बना होता है एल्यूमिनियम के मटेरियल का, जबकि जो इसके बीच का जो सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, ये हमारे बना दिया जाता है स्टील का। अब ये स्टील का क्यों बनाया जाता है, तो अब इसके पीछे का क्या रीजन है, तो सबसे पहला रीजन तो है कि हमारा जो वायर है, इस वायर को ऑल ओवर एक मजबूती देने के लिए, क्योंकि हमारा जो एल्यूमिनियम होता है वो एल्यूमिनियम इतना मजबूत नहीं होता है, हमारा जो स्टील होता है वो स्टील हमारा काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो सबसे पहली चीज, हमारे इस वायर को मजबूती तो मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ सेकंड चीज, हमारा जो स्किन इफेक्ट होगा ना, वो स्किन इफेक्ट भी हम सभी को पता है सेंटर में काफी ज्यादा होता है। तो जब सेंटर के अंदर स्टील के वायर का उपयोग कर लिया जाएगा, तो स्टील हमारा गुड कंडक्टर भी नहीं है, और साथ ही साथ हमारा स्टील सस्ता भी आता है और मजबूत भी होता है। तो इन सभी चीजों को देखकर हमारे स्टील का बीच में उपयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण हमारे ऑल ओवर कंडक्टर के बनाने की जो कॉस्ट है, कीमत जो है, वो कीमत भी कम हो जाए, हमारा कंडक्टर मजबूत भी हो जाए, और साथ साथ हमारे इस कंडक्टर में स्किन इफेक्ट भी कम से कम हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको स्किन इफेक्ट से जुड़ी कई नॉलेज मिली होगी। इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप इसी तरीके की नॉलेज और भी हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाकर सर्च करना पड़ेगा engineeringdosh.com, और साथ ही में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।